दोस्तों, अगर आप कहीं भी पेमेंट करते हो तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। चाहे आप गूगल पे से पेमेंट कर रहे हो या फोन पे से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। चाहे लिखता है पेमेंट लिमिट इज 2000 व्हेन यू अपलोड क्यूआर ट्राई स्कैनिंग द क्यूआर इमेज इंस्टेंट, इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चाहे आप किसी का जो है क्यूआर स्कैन कर रहे हो या डाउनलोड करके स्कैन कर रहे हो, तो आप इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे कर सकते हैं, यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 सेकंड में आपका प्रॉब्लम का सलूशन जो है हो जाएगा। वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या, गाइस, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होने वाली है, शॉर्टकट में मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ आप लोग इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है कैसे कर सकते हैं। गाइस, मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं भी जो है अपलोड करके क्यूआर स्कैन कर रहा था, इस प्रकार का इंटरफेस जो है फेस करने के लिए मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या, गाइस, आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए सबसे पहले बैक आ जाना है गूगल पे या फोन पे से, जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है जी पे, ठीक है, गूगल पे। गूगल पे अगर आपका अपडेट नहीं रहेगा, जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो अपडेट नहीं है, सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, उसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको अपडेट कर लेता हूँ। और अपडेट करने के बाद यहाँ पे अगर आप फोन पे से पेमेंट कर रहे हैं तो फोन पे को क्या कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। तो अपडेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अपडेट अगर रहता है ओपन कर लिखता है तो ओपन रहने दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद करना क्या, गाइस, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। और गूगल पे जाने के बाद आपको क्या कर लेना है, एक बार और स्कैन यानी क्यूआर कोड पे क्लिक करके और अपलोड फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर लेना है, या आपको डायरेक्ट स्कैन कर रहे हैं तो डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, गाइस, मैंने क्यूआर स्कैन किया और यहाँ पे मैं 3500 डाल रहा हूँ, ठीक है। 3500 डालने के बाद यहाँ पे 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 क्लिक किया, देख सकते हो, गाइस, इस प्रकार का इंटरफेस जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, गाइस, आप लोग को इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे करना है। गाइस, मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जो है इसमें लिमिट सेट रहता है, ठीक है। तो आप सब, आपको सबसे पहले करना क्या है, आप 2000 करके आप जितना बार डालना चाहते हैं तो आप 2000 से ज़्यादा तक का पेमेंट जो है नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे यानी कि बता रहा है, ठीक है। आप एक बार में 2000 कर सकते हैं, फिर दोबारा अगर आप 2000 करना चाहते हैं फिर दोबारा 2000 कर सकते हैं, उसके बाद 2000 करके आप जो है बार बार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप 2000 से ज़्यादा जो है डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या, गाइस, अगर आपको 2000 पेमेंट कर देना है, 2000 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा और आप पासवर्ड डाल के यहाँ से जो पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, इस करके कर सकते हैं आप, 2000 करके जो है पेमेंट कर सकते हैं, इसमें लिमिट लगाया गया होता है, ठीक है। तो गाइस, जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊँ, सिंपली उसी प्रोसेस को आप फॉलो करके जो है इस प्रॉब्लम का सलूशन इजीली इसी तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो मेरे आप लोग को अच्छी लगी है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।